दोस्तों इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे जी का फुल प्रैक्टिस सेट और इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए हैं पूरे आप जानते हैं कि स्टेनोग्राफर में 50 क्वेश्चंस आते हैं जीएस में तो ये जी का प्रैक्टिस सेट है और ये जो क्वेश्चन पेपर है 2017 में पूछा गया है ठीक है तो इस वीडियो में हम फुल जी का प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे जो कि दो में पूछा गया है ठीक है इसके साथ साथ मैंने रीजनिंग की सीरीज भी जो है स्टार्ट की है प्रैक्टिस सेट की उसमें भी हम फुल प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पर भी आप ज़रूर देखना है उस प्रैक्टिस सेट को और ये भी आपका पूरा ही रहेगा इसी आ, इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी रीजनिंग और जीके की साथ में इंग्लिश की अगर बात करें इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो उसमें मैं फुल प्रैक्टिस सेट एक वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज ठीक है तो टॉपिक वाइज इसमें मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा कम से कम एक वीडियो में उसमें फिफ्टी क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा ठीक है इंग्लिश की तो इससे आपका जो वीडियो है वो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी ठीक है और दूसरी बात इसका जो पी है ये पी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है और अगर आपको वीडियो की स्पीड यानी जो मेरे सॉल्व करने की स्पीड अगर कम लगे तो आप YouTube के जो स्पीडोमीटर होता है वहाँ से आप इस्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं ठीक है तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्पीड को बढ़ा करके देखें ताकि आपको आ, मतलब आपका जो मतलब टाइम है वो ज़्यादा इसमें इस वीडियो में टाइम ना लगे आपको देखने में ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ठीक है चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना वहाँ पर मिल जाएगी और भी जो पीडीएफ है सारी वहाँ पर आपको मिल जाएगी उसको ज्वाइन कर लेना है ओके तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ओके चलिए देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां पर निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है यानी पूछा गया है कि जो ऑप्शन दी हुई है इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में कौन सा है किसको माना जाता है तो ये पूछा गया है आपको इसका आंसर बताना है इसका आंसर क्या रहेगा ओके तो देखिए इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जो रुपए पैसा है वो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है जो एक्स्ट्रा चीज बताने की होगी वो मैं साथ में बताता हुआ चलूंगा ठीक है चलिए आगे है नेक्स्ट हमारे पास ये डैश यहाँ पे भरना है आपको बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता तो ऐसी कौन सी बेरोजगारी है जिसमें वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार नहीं मिल पाता उसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी ठीक है मौसमी बेरोजगारी होती है इसके अंतर्गत क्या होता है कि साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें रोज़गार नहीं मिलता है तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृत औसत कैलोरी कितनी है यानी कि शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो एक दिन में कितनी कैलोरीज इंटेक करते हैं कितनी कैलोरीज वे खपत करते हैं ये पूछा गया है तो शहरी क्षेत्र की जो औसत यानी एवरेज जो कैलोरीज खपत करने की जो क्षमता है वो है इक्कीस कैलरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा और इसी के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है यानी जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो क्षमता है वो 2400 कैलोरीज है प्रतिदिन तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये दो मैंने बताया आपको दो के ये जो है प्रैक्टिस सेट है तो दो में इस तरह इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे और साथ में मैं 2018 का क्वेश्चन पेपर भी सोल्व कराऊंगा बाद में ठीक है इसी सीरीज़ में तो वो भी मैं आपको कराऊंगा तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट है रवि फ़सलें डैश के मौसम में उगाई जाती है यानी रवि की जो फसल है वो किस मौसम में उगाई जाती है ये पूछा गया है तो देखिए रवि की फसल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो रवि की फ़सल होती है वो शीत ऋतु यानी जब जाड़े होते हैं जाड़े स्टार्ट होते हैं तब उगाई जाती है और रवि की जो फसल है उसके अंतर्गत आती हैं आपके जैसे गेहूँ हुआ जौ हुआ, हुआ, हुआ गेहूँ जौ सरसों तिल मटर ये जो फ़सलें होती है ये रवि की फसल के अंतर्गत आती है तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा और अगर मंथ की बात करें तो नवंबर में ये फसल जो है बोई जाती है नवंबर के मध्य में लगभग ठीक है इस फ़सल को बोया जाता है और लगभग अप्रैल अप्रैल और अप्रैल या फिर मई तक ये जो फ़सलें हैं वो कट जाती है ओके मतलब ये नवंबर के आसपास ही बोई जाती है और अप्रैल के और मई के आसपास इसको काट लिया जाता है ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं मतलब जो मंत्री लोग होते हैं केंद्रीय जो सरकार के अंतर्गत जो मंत्रिमंडल है उसमें जो लोग होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है प्रधानमंत्री को छोड़ करके ठीक है ये आपको बताना है ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति तो ये आपको ध्यान रखना है और जो प्रधानमंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है चलिए इसका आंसर आपको बताना है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति जो है शपथ दिलाते हैं किसको उपराष्ट्रपति को चलिए आगे देखते हैं तो जल्दी से सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को नेक्स्ट है यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव कराए जाते हैं जो गांव में जो प्रधान बनते हैं ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं अगर वो किसी तरह से भंग हो गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि प्रधान को जो है पद से हटा दिया गया तो कितने माह के अंदर या कितने समय के अंदर मतलब कितने समय के अंदर ये पद को मतलब इसके जो चु, चुनाव है वो करवाए जाने अनिवार्य है ये पूछा गया है यहाँ पर तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी छह एक मिनट यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित होती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब होगा देखिए यहाँ पर ये वर्ष गलत लिखा हुआ है छह वर्ष नहीं होता छ महीने ठीक है ऑप्शन नंबर सी रहेगा छः महीने ठीक है तो ये क्वेश्चन ही जो है ऑप्शन जो है गलत दिए गए थे एग्ज़ाम में ही लेकिन इसका आंसर रहेगा छः महीने ओके ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा कि छः माह के भीतर ये जो है चुनाव कराए जाने अनिवार्य है चलिए आगे बढ़ते हैं शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से संवर्धित सूची में रखा गया है या लाया गया है ठीक है तो ये संबर्ध जो सूचियां हैं वो भी आपको पता होना चाहिए और जो कौन से कौन सा कार्य किस सूची के अंतर्गत आता है इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कार्य किस सूची में आता है ठीक है तो ये काफ़ी एक अच्छा टॉपिक है इसको मैं अलग से भी करा दूंगा अगर टाइम मिला तो 58 का आंसर हो जाएगा हमारा सी बयालीसवा संविधान संशोधन था जिसके अंतर्गत शिक्षा को राज्य सूची से सम्बर सूची में रखा गया देखिए जब राज्य सूची में थी तो इस पर केवल राज्य ही मतलब कानून या जो भी नियम लागू कर सकते थे वो राज्य के अंतर्गत आता था ठीक है मतलब उसमें जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कुछ नहीं कर सकते थे राज्य अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता था लेकिन सम्वर्ती सूची में आने का मतलब ये है कि अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कुछ भी नियम जो है लागू कर सकते हैं ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं तो लगभग लगभग सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे ठीक है या सारे सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दो दो तीन तीन करके तो आपको कुछ भी इग्नोर नहीं करना है अच्छे से पढ़ना है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था न्यूज़पेपर के बारे में पूछा गया है कि बाल गंगाधर ने कौन सा अखबार शुरू किया था इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए केसरी जो अखबार है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है एक एहोल प्रशस्ति एक लेख अभी एक है और ये किसने बनवाया था किस राजवंश के राजा ने इसको बनवाया था ये पूछा गया है इसका आंसर आपको बताना है क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी चालुक्य राजवंश के राजा थे और उनका नाम क्या था चालुक्य राजवंश के राजा थे उनका नाम था पुलकेशन पुलकेशन द्वितीय आपने नाम सुना होगा पुलकेशन द्वितीय जिन जो चालुक्य वंश के राजा थे ठीक है उस टाइम पर कौन थे पुलकेशन द्वितीय ने ये बनवाया था और इनको जो आ, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने ये चीज़ बनाई थी तो ये भी पूछा जा सकता है इसका जो आ, पुलकेशन द्वितीय आपको याद रखना है कि इन्होंने बनवाया था ठीक है और पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है जिनका नाम है रवि कीर्ति रवि कीर्ति ठीक है इनके दरबारी कवि थे रवि कीर्ति तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है रवि कीर्ति से तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया तो मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया ये पूछा गया है तो देखिए हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आप देख ही सकते हैं कम से कम काफ़ी छः से सात क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं हिस्ट्री से भी तो कुछ भी इग्नोर नहीं करना है आपको इसका आंसर रहेगा सुंग वंश ठीक है तो मौर्य वंश के बाद आया था सुंग वंश ठीक है तो इतनी ही बात आपको ध्यान रखनी है और सुंग वंश की जो स्थापना की थी वो की थी पुष्यमित्र सुंग ने ठीक है पुष्यमित्र सुंग ने इसकी स्थापना की थी तो ये जो है ये बात भी आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा किस मुग़ल शासक ने मुगल साम्राज्य की राजधानी स्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये पूछा गया था और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आसानी से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो मतलब आपने मुग़ल शासन पढ़ा होगा तो तो हिस्ट्री में कुछ भी जो है आपको इग्नोर नहीं करना है कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ठीक है इसका आंसर रहेगा शाहजहाँ ने ने आगरा आगरा को से चेंज करके राजधानी दिल्ली को बना दिया था ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है सलाल बांध निम्नलिखित में से किस पर बनाया गया है सलाल बांध कहाँ पर बनाया गया है ये पूछा गया है किस पे बनाया गया है ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है चेनाब नदी और चेनाब नदी ये कहाँ पर है सलाल बांध जम्मू एंड कश्मीर ठीक है जम्मू और कश्मीर में है ये जहाँ पर ये बनाया गया है ठीक है चेनाब नदी पर बनाया गया है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित है चलिए आगे बढ़ते हैं इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचय विधि नहीं है देखिए राजस्थान में क्या होता है आप जानते हैं कि वहाँ पर सूखा ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है कि जो बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए कुछ विधियाँ अपनाई जाती है तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी एक मिनट एक मिनट यहाँ पर ऑप्शन जो है गायब है ऑप्शन यहाँ पर गायब है तो चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं लेकिन यहाँ पे पूछा गया है? नहीं बनाई मतलब कौन सी संचय विधि नहीं है ये पूछता कि है तो वो थोड़ा सा हम मतलब देख लेते लेकिन नहीं है जैसे जिस आ, मतलब ऐसे आ, जैसे तालाब वगैरह होते हैं तो जैसे जोड़ा और कुंड इस तरह से जो है जल संचय विधि है और आ, जोड़ा हो गया कुंडिया या फिर कुंड ठीक है या फिर झालर नदिया टोबा ठीक है इस तरह से टैंक भी बोला जाता है तो इस तरह से जो है ये मतलब ये जल संचय विधि है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया हुआ तो हम इस क्वेश्चन को जो है छोड़ रहे हैं लेकिन जो मैंने बताई है वो जो है जल संचय विधि उससे क्या है जल्द इकट्ठा किया जाता है जो भी चार पांच नाम है ये ध्यान रखना है आपको जैसे कुंड हो गया एक बार और रिपीट कर देता हूँ या झालर हो गया नदिया ठीक है टैंक इस तरह से ये नाम है टोबा ठीक है ये सब जल संचय विधि है जितने भी मैंने आपको नाम बताए चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे है पास धरती पर एक डिग्री देशांतर की दूरी निम्नलिखित में से लगभग किसके बराबर होती है देशांतर रेखाएं क्या होती है देशांतर के बारे में आप जानते हैं पृथ्वी की जो इस तरह से जो रेखाएं होती है ये वाली एक मिनट यहां पर इस तरह से जो रेखाएं होती है इस तरह से जो पृथ्वी पर रेखाएं होती है इनको बोलते हैं देशांतर ठीक है इस तरह तो की जो रेखाएं होती है ठीक है तो इसमें पूछा गया है कि इन ये वाली और ये जो रेखा है इनके बीच की दूरी कितनी होती है ये पूछा गया है ठीक है तो लगभग कितनी होती है तो ये होती है एक किलोमीटर लेकिन ये होती है, यह है यहाँ पर एक सौ ग्यारह किलोमीटर होती है ये ध्यान रखना आपको भूमध्य रेखा पर यह जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर होती है, तो होती है एक सौ ग्यारह किलोमीटर लेकिन हम अगर ये ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ आकर के दो दो देशांतर के बीच की दूरी क्या हो जाती है शून्य हो जाती है ठीक है ध्रुवों पर आकर के तो ये आपको ध्यान रखना है और जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर होती है एक पूरी जो है वो है एक सौ ग्यारह पॉइंट थ्री टू वन एक सौ ग्यारह पॉइंट थ्री टू वन ये होती है ध्रुव पर ठीक है दो रेखाओं के बीच की दूरी लेकिन ध्रुवों की ओर अगर हम जाएंगे तो ये जो है शून्य हो जाती है ठीक है ये शून्य हो जाती है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है महाद्वीप मतलब यही हुआ कि जो धरती है वो कितने प्रतिशत भाग पर है जहाँ पर मतलब जीव जंतु जो मतलब धरती है पानी को छोड़कर के जो भी है वो सब महाद्वीप के अंतर्गत ही मान सकते हैं हम तो ये पूछा गया कितने प्रतिशत भाग पर है महाद्वीप धरती पर ठीक है ये आपको बताना है कितना है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी आप सब जानते हैं कि लगभग सत्तर परसेंट जो है जल है धरती पर लगभग सत्तर परसेंट क्या है पानी है ठीक है जब सत्तर परसेंट पानी है तो लगभग उनतीस से तीस परसेंट क्या होगी धरती होगी जो कि महाद्वीप के रूप में हम उसको जानते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया है लेकिन सबको पता होगा लेकिन कुछ बच्चों ने इसको भी मतलब आ, क्या होता है कि घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे पूछता है कि जल कितने प्रतिशत है तो हम डायरेक्ट बता देते हैं लगभग सत्तर परसेंट लेकिन ये पूछा गया है महाद्वीपों का विस्तार कितने प्रतिशत पर पाया जाता है क्वेश्चन तो वही है लेकिन घुमा के पूछ लिया है तो इसको जो है कुछ जो जितने बच्चे ये बता सकते थे उतने उतने बच्चों ने ये वाला आंसर नहीं बताया होगा ठीक है क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोप्लाज्म एक शब्द है उसका यूज किया ठीक है जीवित कोशिकाओं के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किया तो इसका आंसर रहेगा पुरकिंजे तो पुरकिंजे ने किया था प्रोटो प्लाज्म प्रोटोप्लाज्म शब्द का यूज किसने किया था पुरकिंजे ने ठीक है जीवित कोशिकाओं के लिए और ये लगभग जो इसका जो इस शब्द का प्रयोग हुआ था वो अट्ठारह में किया था ठीक है पुर ने सबसे शुरू में तो ये आपको ध्यान रखना है और ये जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था ये जो कोशिका होती है उसका तरल पदार्थ है ठीक है कोशिका के तरल पदार्थ का नाम होता है प्रोटोप्लाज्म मतलब उसको दिया था नाम ये चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है साइंस से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं जो मानव का की त्वचा का अध्ययन करती है आप जानते हैं डर्मेटोलॉजी ठीक है तो डर्मेटोलॉजी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट है योग्यतम की उत्तर जीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था तो योग्यता की उत्तर जीविता का सिद्धांत किसने दिया था आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन ने इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के काटने से या किस कीट के कारण फैलता है तो निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस जो है सीसी मक्खी के काटने से फैलता है ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा और नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है ये पूछा गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी वन इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा पायरूबिक एसिड ठीक है पायरूबिक एसिड राइट right आंसर है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर की पहचान कीजिए जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म सेल्युलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती है तो इसमें पूछा गया है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है विभज्जियों तक देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं टफ होते हैं जो ईजिली मतलब हमें बुक्स में नहीं मिलते इसका आंसर रहेगा ये वाला ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट है थोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है तो जो ठोस में तरंगे होती है वो किस प्रकार से चलती है ये आपसे पूछा गया किस प्रकार की तरंगे होती है ठोस में क्वेश्चन नंबर थर्टी सॉरी सेवेंटी थ्री का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी या तो भी अनुध्या तरंग होगी या फिर अनुप्रस्थ तरंगे होगी तो इसका आंसर रहेगा सी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है देखिए न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसकी भौतिक यूनिट है? SI है तो न्यूटन मीटर के बारे में पूछा गया है न्यूटन मीटर जो है किसकी भौतिक राशि का एसआई SI मात्रक है इसका आंसर आपको बताना है इसका आंसर क्या रहेगा तो इसका आंसर रहेगा बल आगुण ठीक है न्यूटन मीटर जो है बल आगुण का तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी और बल का मात्रा का न्यूटन तो ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं तो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये पूछा गया है तो ये होते हैं वन फिफ्टी यानी एक लीटर एक बैरल बराबर होता है एक के चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास एक मेट्रिक हाउस पावर कितने बाट के होते हैं तो हॉर्स पावर आपने सुना होगा ठीक है वाहनों में होते हैं लगे हुए हॉर्स पावर तो ये होते हैं सात सौ छियालीस सात सौ छियालीस यहाँ पर कहीं ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है तो सात सौ छत्तीस नहीं होता सात सौ छियालीस होगा ठीक है सात सौ छियालीस तो इसको करेक्ट कर लेना एक हॉर्स पावर बराबर होता है सात सौ छियालीस ठीक है इसको हिंदी में अश्वशक्ति भी बोलते हैं ठीक है थीके? तो इसका जो पूरा मात्र मान होता है वो होता है सात ये होता है इसका पूरा मान लेकिन आप मान सकते हैं कि सात ठीक है सात इसको आप पूरा लगभग मान सकते हैं और लगभग ज़्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा सात लेकिन यहाँ पर 36 की जगह क्या कर लेना आपको 40 कर लेना है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है अगला है आम तौर पर एक मानक स्टैंडर्ड जो लैपटॉप के अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड पर कितनी कुंजियाँ होती है तो जो लैपटॉप होता है उस पर साधारणतः कितनी कुंजिया होती है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है तो इसका आंसर देखिए ये भी क्वेश्चन जो है इसमें भी आंसर थोड़े से आ, मतलब ऐसे दिए हुए हैं लेकिन इसका आंसर दिया था एसएससी ने 80 कुंजी लेकिन लगभग फिक्स नहीं होता देखिए 80 कुंजी जो है फ़िक्स नहीं होती 80 से लेकर के 110 तक 80 से लेकर के 110 तक जो है कुंजियाँ हो सकती है यानी की हो सकती है किसी लैपटॉप में ओके और सामान्यतः तो जो पीसी होता है उसमें 104 की का प्रयोग करती है जो ठीक है जो अधिकांश कंपनियां होती है उसमें 104 की का यूज़ करती है तो 104 कहीं ऑप्शन में नहीं है तो हम कह सकते हैं अस्सी से एक के बीच तक होती है और जो अमेरिका के जो कंपनी है उसमें एक सौ का यूज़ किया जाता है ठीक है अमेरिका में मोस्टली 101 एक की वाले जो है पीसी जो है मिलते हैं तो अब यहाँ पर फिक्स नहीं है ठीक है फिक्स नहीं है मतलब 80 से 110 के बीच में कोई सी भी संख्या हो सकती है हमें यहाँ पर 80 जो है इसका आंसर दिया गया था एसएससी के द्वारा ओके तो आगे से ध्यान रखना है इस तरह का क्वेश्चन आए तो अब आगे बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटी से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित है यह पूछा गया है कि डाटा जो होता है वो किस तरह से स्थान घेरती है सबसे छोटा मात्र क्या होता है फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा ये पूछा गया बेसिकली तो ये आपको बताना है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सब जानते हैं सबसे छोटा होता है के बी फिर उससे बड़ा के बी से मिलके बनता है एम बी एम बी से मिलके बनता है जी बी और जी बी से मिलता है यानी टेराबाइट ठीक है और जीबी मतलब गीगाबाइट एमबी मतलब मेगाबाइट और के बी मतलब किलोबाइट ठीक है तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये सीरीज जो है आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन में तो इसका आंसर रहेगा तीन हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है तीन ठीक है आप जानते हैं वन एच वन वन एच टू वन एच थ्री ठीक है बन H1, बन H2, बन H3, टू थ्री इस तरह से एक तो वन है टू है थ्री है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन और इसको ड्यूटेरियम इसको ट्राइटियम तो इस तरह से इनके नाम दिए गए हैं ठीक है थीके? तो इसको आ, इसको बोलते हैं आप जो ड्यूटेरियम होता है मतलब एच टू एच टू जो होता है वो ड्यूटेरियम होता है एच थ्री बोलते हैं ट्रीटियम ये भी आपको ध्यान रखना है और प्रोटियम जो है एच वन होता है प्रोटियम ठीक है वन एच वन जो है वो प्रोटियम होता है तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है स्थलीय वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक कौन सा है स्थलीय वातावरण में पूछा गया है यानी स्थल पर धरती में जो है सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक है इनमें से बताना है आपको तो कौन सा यौगिक है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सेलुलोस नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सॉरी निम्नलिखित में मानव निर्मित प्रथम उन्नत प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक है तो मानव द्वारा पहला प्लास्टिक कौन सा है जो ऊष्मा का कुचालक है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी सॉरी बैकेलाइट ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज किसने की दी क्वेश्चन नंबर एटी टू का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स गुडियर ने तो जो बल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ की खोज प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज की थी वो की थी चार्ल्स गुडियर ने ठीक है ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका निम्नलिखित में, में से कौन सा एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है जैव पर्यावरण का प्रमुख घटक नहीं है इसका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है जल जो है एक जैव पर्या जैविक नहीं है जल ठीक है तो इसलिए अलग हो जाएगा जानवर एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक है सही बात है पौधा है अपघटक है तो ये तीनों चीजें हो जाएंगी लेकिन जल जो है अलग हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अब चलिए 84 पे हम आ गए हैं 1950 और 60 के दशक में पारद प्रदूषण जनित बीमारी मीमाता सॉरी मीना माता से किस देश के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे तो पचास से लेकर के साठ के बीच में ये मीना माता जो एक बीमारी थी वो फैली हुई थी और उससे एक देश काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था इसका नाम है जापान ठीक है ऑप्शन नंबर एट्टी फोर का नाम जापान है और जापान का जो एक शहर था मीनी माता के नाम से ठीक है मीना माता एक शहर का ही नाम था मीना माता उसी के नाम पर ये जो बीमारी का नाम रखा गया था ठीक है तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था अब ये देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे तो इस तरह से आप देख सकते ये वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं तो ये पूछा गया था भारत निर्माण योजना किस वर्ष में शुरू किया गया था ये पूछा गया है तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 2005 में शुरू की गई थी देखिए ये काफ़ी टाइम पुराना क्वेश्चन जो है योजना है तो ये कभी भी पूछी जा सकती है ओके चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य नहीं है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना है उसका कौन सा निम्नलिखित में से उद्देश्य नहीं है ये पूछा गया है ठीक है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बाकी ये है ग्रामीण युवाओं को शामिल कर ट्रेनिंग देना ये भी इसका उद्देश्य है केवल बीपीएल और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए रोजगार पैदा करना ये भी इसका लक्ष्य वो है और देख लेते हैं हम ऑप्शन तो ये भी है और एक ये भी है इसका जो मतलब इसका उद्देश्य कि कौशल प्रशिक्षण केंद्र सॉरी कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार निर्माण करना ठीक है तो ऑप्शन नंबर बीस का आंसर रहेगा कि यह जो स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना यह इसका उद्देश्य नहीं है ऑप्शन नंबर बी अब आगे देखते हैं चलिए नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध का नियम की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी तो ये तो हम नियम बचपन से पढ़ते हो रहे विद्युत प्रतिरोध का जो नियम है किसने की थी आप जानते हैं ओम ओम आपने सुना होगा सुना होगा यानी इसका आंसर हो जाएगा जी एस ओम जी एस ओम और जी एस ओम का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए जॉर्ज साइमन क्या नाम है जॉर्ज साइमन ओम ठीक है जॉर्ज साइमन साइमन ओम ये जो इनका पूरा नाम है तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और जो ये जो नियम दिया था वो अट्ठारह सत्ताईस में ठीक है ये भी आपको ध्यान रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं 1942 में एनरिको फर्मी ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी एनरिको फर्मी एक वैज्ञानिक का नाम है और ये किस इन्होंने किस चीज की खोज खोज की थी 1942 में यह क्वेश्चन पूछा गया है आंसर रहेगा परमाणु रिएक्टर तो परमाणु रिएक्टर की खोज किसने की थी एनरिको फर्मी ने नेक्स्ट है गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर बोट्स का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है तो एक करंट का क्वेश्चन था तो ये पूछा गया था ठीक है इसका आंसर रहेगा यूएस से चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है बैलिंगटन ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है तो वेलिंगटन ट्रॉफी ये पूछा गया क्वेश्चन इसका संबंध किस खेल से है इसका आंसर आपको बताना है तो ये है नोका से रिलेटेड है बैलिंगटन ट्रॉफी ठीक है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी जो वैलिंगटन ट्रॉफी है इसका संबंध है आपकी नौका से तो ये आपको ध्यान रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य लोक नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो अ, है जो कि महाराष्ट्र महाराष्ट्र से संबंधित है महाराष्ट्र से रिलेटेड है ये आपको बताना है इनमें से कौन सा है महाराष्ट्र से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी मलखंभ ठीक है इनमें से मलखंभ जो है वो महाराष्ट्र से रिलेटेड है चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट है देखिए सरहुल पर्व का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है तो सरहुल एक त्यौहार है ये किस राज्य किस जनजाति से संबंधित है किस राज्य के जनजातीय समुदाय से संबंधित है बताइए मतलब इसका आपको बताना है क्या रहेगा आंसर इसका आंसर होगा उड़ीसा तो ये जो सरहुल त्योहार है या पर्व है वो उड़ीसा में मनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट है रेमन मैक् नेक्स्ट है हमारा रेमन मैक्स से पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है रेमन मैक्से पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है ये पूछा गया है आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस तो फिलीपींस इसका आंसर रहेगा ठीक है ऑप्शन नंबर सी चलिए आगे बढ़ते हैं और जो रेमन मैक्से पुरस्कार है उसको एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको माना जाता है ये आपको ध्यान रखना है चलिए अब आगे बढ़ते हैं चलिए नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है तो इस तरह से देखिए पुरस्कार से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं आपको सारी चीजों का पता होना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सॉरी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग ठीक है नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार जो है फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग से संबंधित है ऑप्शन नंबर सी आगे है राजतरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है एक पुस्तक है राज तरंगिणी और ये कलहड़ के द्वारा लिखी गई थी ये आपको ध्यान रखना है सॉरी कलहड़ के द्वारा ये लिखी गई थी और इसका जो संबंध है वो है जम्मू कश्मीर से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट right आंसर है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है महाकाव्य महाभारत में कितने सॉरी अध्याय या फिर पर्व है तो इसमें है अट्ठारह अध्याय ठीक है ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सत्तर वर्ष पूरे होने पर सेंट पिट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन जारी किया है तो ये करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर था रोश ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत में जल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति अभियान पर भारत के साथ काम करने पर सहमति दी तो ये करंट का क्वेश्चन था और इसका आंसर था ए इसराइल ने दी थी निम्नलिखित में से कौन सी नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है तो म्यांमार की देखिए पड़ोसी देशों से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एक या दो हर साल आता है तो पड़ोसी देश के बारे में आपको पता होना चाहिए जो भारत के आसपास के जो देश है ठीक है उनके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इसका आंसर था इरावती नदी तो जो म्यांमार की सबसे बड़ी नदी है वो है इरावती नदी चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के सीमा को डैश के रूप में भी जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है इसको ये आपको बताना है इसका आंसर रहेगा चौबीसवीं समांतर रेखा के रूप में ठीक है तो इस तरह से हमने फिफ्टी क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व कर लिए और ये सीरीज मैं आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूँगा ठीक है तो आप कोई सी भी वीडियो मिस मत करना आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ठीक है और पी डी एफ आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग